हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। और अब क्योंकि ये जो आने वाले दिन हैं, बहुत ही हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व, जिसको हम दीपावली कहते हैं, धनतेरस कहते हैं, अब एक के बाद एक बड़े बड़े हिंदू पर्व आ रहे हैं, तो उसी को लेकर के आज की चर्चा है। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ धनतेरस को लेकर के, कि धनतेरस किस तारीख को, किस दिन मनाई जाएगी और इसके पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। और सबसे अंत में आपको शुभ मुहूर्त जो है वो पूजा का, धनतेरस की, उसके विषय में भी बताएंगे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। तो देखिए साथियों, उत्तर भारत में हमारे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व बहुत ही श्रद्धा एवं विश्वास से मनाया जाता है। हमारे देव धन्वंतरी जी के अतिरिक्त, उनके अलावा, इस दिन देवी लक्ष्मी जी और धन के जो देवता हैं कुबेर, उनके पूजन की भी परंपरा है। इस दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीप दान किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से, यह भी सुनने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि इस दिन यमदेव की अगर पूजा करते हैं तो असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है। अकारण जो मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु, अकारण, असमय, समय से पहले, तो ऐसी मृत्यु नहीं होती है अगर हम यमदेव की पूजा करते हैं धनतेरस के दिन। यमदेव की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक पूरी रात्रि जलना चाहिए और इस दीपक में कुछ पैसा, कोई सिक्का डाल दें और कौड़ी, जो कौड़ी होती है बाजार में मिल जाती हैं, वो भी इस दीपक में जरूर डालें। इस दिन सिक्का, बर्तन एवं गहनों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। और शुभ मुहूर्त समय में पूजन करने के साथ साथ अनाज की भी पूजा की जाती है। अनाज मतलब जैसे गेहूं हैं, उड़द हैं, मूंग हैं, चना, जौ, चावल और मसूर इत्यादि, विशेष रूप से किसान लोग जो हैं वो करते हैं, या जो आढ़ती हैं इस प्रकार, और अगर आप आढ़ती भी नहीं है, किसान भी नहीं है, घर में कर सकते हैं अपने। साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के फल से भगवती का पूजन करना लाभकारी रहता है। पूजा में भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में श्वेत मिष्ठान का प्रयोग किया जाता है। इस दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है और इस दिन धन्वंतरी जो देव हैं उनका भी जन्म हुआ था। ये देवताओं के, चिकित्सकों के देव हैं और इस दिन चांदी खरीदना शुभ रहता है, या पीतल खरीदें या चांदी खरीदें। और पीतल तो धन्वंतरी जी के बड़ा ही प्रिय धातु है और पीली मिठाइयाँ उनको बहुत पसंद हैं, बहुत प्रिय हैं। कुबेर जी को सफ़ेद मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। तो लक्ष्मी जी एवं गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को इस दिन घर लाना सफलता एवं उन्नति को भी बढ़ाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तनों की खरीदारी की जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि उनको पीतल धातु बहुत पसंद है, तो अगर पीतल का कोई बर्तन खरीदेंगे तो ये बहुत शुभ माना जाता है, या फिर चांदी का। इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीद कर घर में रखें ला करके, ये भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। दीपावली के दिन इन चीज़ों को खेतों में भी लगाया जाता है जो किसान लोग हैं। धनतेरस का पूजन, धनतेरस की जो पूजा है शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले 13 दीपक जलाएं। 13 दीपक जला करके तिजोरी में कुबेर यंत्र की स्थापना करें अगर नहीं की है तो, और उनका पूजन करें कुबेर यंत्र का, और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और इस मंत्र का भी साथ में जप करें।
मंत्र कुछ इस प्रकार है, यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपताय धन धान्य समृद्धि में देही दाप्य स्वाहा। ये है मंत्र, इसका भी उच्चारण करें, इसका भी जप करें। धनतेरस पूजा का जो मुहूर्त है साथियों, प्रदोष काल में जो दीपदान, जो हमने कहा भी आपको कि सबसे पहले 13 दीपक जलाएं, तो ये दीपदान होता है, एवं लक्ष्मी पूजन करना भी आज के दिन शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद, अब आप कहेंगे प्रदोष काल क्या होता है, वो भी बता दें कि सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट जो होता है ये प्रदोष काल कहलाता है। तो ये हमने आपको बताया प्रदोष काल के विषय में। अब आपको बताएंगे कि पूजा कैसे करें, मतलब किन किन भगवान की पूजा की जाती है। पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की ओर भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की मूर्ति स्थापित कर लें। उनका यंत्र जो है वो अपने घर की तिजोरी का, जो आपने जहां अपना धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहां पर उनका स्थापना कर दें, फिर करें पूजा। और इनके साथ साथ माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि कुबेर को सफ़ेद मिठाई, जैसा मैंने अभी कहा था अपनी चर्चा के दौरान, जबकि धन्वंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगना चाहिए, क्योंकि इनको ये प्रिय है। पूजा में क्या रखना है आपने सामान, फूल फल चावल रोली चंदन धूप एवं दीप, इन चीज़ों का आपने पूजा के समय प्रयोग करना है। अब हम आपको बताते हैं कि धनतेरस जो कि 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ेगी, उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 2 नवंबर 2021 मंगलवार की शाम 6:18 से शाम 8:11 तक, कुल अवधि है 1 घंटा 53 मिनट, और प्रदोष काल का समय है शाम 5:35 से शाम 8:11 तक, और वृषभ काल यानी कि वृषभ लगन होगा उसका समय है शाम 6:18 से शाम 8:14 तक। इसी समय में आपने धनतेरस की पूजा करनी है वृषभ काल में, और जो मैंने पूजा का मुहूर्त आपको अभी बताया है। तो ये थी चर्चा धनतेरस के विषय में कि धनतेरस का क्या महत्व है, क्यों इसको पूजा जाता है, और पूजा की विधि हमने आपको बताई, किस किस भगवान की पूजा करनी है, कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी धनतेरस के ऊपर चर्चा। ये आज की चर्चा हमारी आपको अगर पसंद आई है तो आप इसको अवश्य लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर भी करें, और जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे और भी नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वे भी समय अनुसार आपके पास पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।